आगामी विधानसभा चुनाव से पहले कई पार्टियों के नेताओं व कार्यकर्ता अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी किसी पार्टी का दामन थाम सकते हैं और थाम रहे हैं, लेकिन राजस्थान के राजनीतिक इतिहास की बात करें तो पहले भी कई ऐसे नेता रहे हैं जिनको या तो विधानसभा के टिकट नहीं मिले, तो ऐसे में किसी ने हाथ का साथ छोड़ा तो किसी ने कमल के फूल को हमारी भूल बताते हुए स्वाभिमान का नारा देकर हाथ से हाथ मिलाया, तो वहीं किसी ने बोतल के नशे को अपनाया। हालांकि जिन्होंने स्वाभिमान का नारा दिया उन्होंने ही हाथ के साथ जाते वक्त उसी फूल को देकर सदस्यता ग्रहण की। कमल के फूल को भूल बताकर स्वाभिमान का नारा देने वाले पूर्व वित्त मंत्री एवं विदेश मंत्री जसवंत सिंह के बेटे मानविंदर सिंह के द्वारा कांग्रेस का दामन थामने की कहानी बड़ी दिलचस्प है। हुआ यूं कि वर्ष 2014 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान जसवंत सिंह का भारतीय जनता पार्टी ने बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से टिकट काटकर कर्नल सोनाराम चौधरी को दिया था। इस बात से खफा जसवंत सिंह ने लोकसभा का निर्दलीय चुनाव लड़ा लेकिन वो हार गए। इसके बाद से नाराज जसोल परिवार ने मोदी व वसुंधरा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और तभी जसवंत सिंह की पत्नी व मानविंदर सिंह की माता शीतल कंवर ने भावुक होते हुए मानविंदर सिंह को भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ने का फैसला सुना दिया। मानविंदर सिंह इस बात को सुनकर पूरी तरह से टूट गए और अपनी आंखों से गिरते आंसुओं को पहुंचते हुए अपनी मां की कही बात का मान रखते हुए पचपदरा में 23 सितंबर 2018 को स्वाभिमान रैली कर भारतीय जनता पार्टी को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया था। मानविंदर सिंह के बीजेपी छोड़ने की इनसाइड स्टोरी। मां शीतल कंवर के शब्दों ने मानविंदर को किया था भावुक। मां की बात सुन टूटा था मानविंदर का दिल और मानविंदर सिंह ने कर दिया पार्टी छोड़ने का ऐलान। भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए मानविंदर को 2018 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान झालरा पाटन सीट से वसुंधरा राजे सिंधिया के सामने उतार दिया गया और इस चुनाव में मानविंदर बुरी तरह से हार गए और इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने मानविंदर सिंह पर भरोसा जताते हुए वर्ष 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में बाड़मेर जैसलमेर में प्रत्याशी के तौर पर बीजेपी के प्रत्याशी कैलाश चौधरी के सामने उतार दिया और इस चुनाव में भी मानविंदर नहीं जीत पाए, मगर राजस्थान में गहलोत सरकार ने उनको सैनिक कल्याण बोर्ड की जिम्मेदारी दे दी जिनका वो आज निर्वहन कर रहे हैं। हालांकि अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि मानविंदर सिंह हाथ का साथ छोड़कर अपनी मूल पार्टी बीजेपी में वापस आ सकते हैं। गौरतलब है कि राजस्थान में गहलोत और सचिन पायलट के बीच चल रही लड़ाई में अब सचिन पायलट भी अपने और कार्यकर्ताओं के स्वाभिमान को लेकर मानविंदर की राह चल सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान की राजनीति में भूचाल आने की संभावना है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।